तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास फोर्स टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस फोर्स टाइम के ग्राफ से हमें निकालना है कि कौन से ग्राफ में इम्पल्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इम्पल्स मैक्सिमम है। तो अगर इम्पल्स मैक्सिमम अगर देखोगे तो इम्पल्स कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। हम सबको पता है कि इम्पल्स इक्वल टू होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और एफ और टी का ग्राफ बनाया जाए तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, मतलब एफ टी ग्राफ में जो एरिया बन रहा है उसको निकाल लोगे तो इम्पल्स आपका निकल जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर तुम देखोगे इम्पल्स मैक्सिमम होगा जब एरिया मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक का एरिया निकालो। पहले वाले ए ग्राफ में देखोगे तो एरिया एरिया ए वन इज इक्वल टू 1/2 बेस बेस 1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 0.5। तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा एरिया दूसरा, ठीक है, दैट इज एम्पल्स ही है। बी ग्राफ में देखो एरिया ए टू, तो बी ग्राफ में अगर देखोगे तो 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई और हाइट इज 0.5, ठीक है। तो ये 2 2 कट गया और ये 5/10, मतलब यह आ जाएगा 1/2, ठीक है। बी वाले में देखोगे, बी वाला एक्चुअली रेक्टेंगल है ना बच्चों, तो यहाँ से रेक्टेंगल है तो इसका जो एरिया आ जाएगा 1/2 नहीं, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल की जो एरिया आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो इस रेक्टेंगल की एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये और सी में देखोगे तो सी में अगेन ट्राइंगल है, तो सी में A3 एरिया 1/2 और बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, बेस कितना है 1 और हाइट 0.75। तो 0.75 अगर इन देखोगे तो यह आ जाएगा 3/8। और डी ऑप्शन अगर देखोगे तो डी ऑप्शन में एरिया A4 की बात करोगे तो डी ऑप्शन में एरिया A4 अगेन ट्राइंगल है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है ना। तो अगेन 1/2, ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये 1/2, 3/4, 1 और 1/4, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है, तो बी जो है, जो बी ग्राफ में वो जो एरिया है मैक्सिमम है। तो ऑब्वियसली इम्पल्स मैक्सिमम होगा, दैट इज बी ऑप्शन अपना सही बनता है इसका। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।